हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हमारे चैनल पर एग्जाम से रिलेटेड मैथ्स के क्वेश्चन आपको बड़े ही इजी वे में ट्रिक से सॉल्व करना सिखाया जाता है। सो गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है 3 के पावर 8, 3 के पावर 10, 3 के पावर 14 का मौसा एचसीएफ क्या होगा। तो गाइस, ऐसे सवालों का मौसा निकालने के लिए हम कुछ ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ट्रिक क्या है हम देखते हैं यहाँ पे। सो गाइस, यहां पे आप देख रहे हैं कि जो आधार है, आधार समान है। यहां पे जो आधार है 3 3 3 सब क्या है, सेम है। और घात यहां पे देख रहे हैं, घात जो है असमान है। घात जो है हमारा असमान है, यानी 8 है, 10 है, यहां पे 14 है, समान नहीं है। तो जब आधार समान हो और घात असमान हो तो एचसीएफ निकालने के लिए हम कौन सा ट्रिक अपनाते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है कि जिस आधार का सबसे छोटा वाला घात हो वही क्या हो जाता है, हमारा एचसीएफ हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो ये 3 के पावर 8, इसमें ये 10 है, ये 14 है, सबसे छोटा वाला ये है, तो वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। यानी कि जो न्यूनतम घात होता है, न्यूनतम घात वाला HCF हो जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और गाइस, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। So guys, thank you so much for watching this video.